हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। चलिए आज बात करते हैं सुरक्षित नेट बैंकिंग के 5 टिप्स। जी हाँ, पहला टिप्स है ये कि यूआरएल पर लॉक का चिन्ह हो तभी करें लॉगिन। ऑनलाइन बैंकिंग करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी साइट पर आप अपने बैंक अकाउंट की आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं उस वेबसाइट के यूआरएल पर लॉक ज्यादातर लाल रंग में कच्ची दिखाई दे रहा हो। इस लॉक से पता चलता है कि पासवर्ड गोपनीय रखा जाएगा या वेबसाइट के सुरक्षित होने का भी सूचक होता है। पॉइंट नंबर 2, फर्जी ईमेल से सावधान। जब कोई फ्रॉड व्यक्ति या संस्था आपको फर्जी ईमेल भेजती है तो इसे फिशिंग कहते हैं। ऐसे ईमेल में आपका बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड आदि जानने की कोशिश की जाती है। इसमें दिए गए लिंक पर कभी भी भूलकर भी क्लिक ना करें। पॉइंट नंबर 3, लॉग आउट करना सुनिश्चित करें और जरूर लॉग आउट करें। चाहे आप जितनी भी जल्दी हो पैसों का लेन देन करने के बाद कभी भी इंटरनेट पर अपना अकाउंट लॉग आउट करना ना भूलें। आपकी इस छोटी सी भूल से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, घपला होने पर बैंक को तुरंत दे जानकारी। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं या किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी ट्रांजेक्शन यानी कि घपला हुआ है तो इसकी जानकारी बैंक को तुरंत दें और साथ ही अपना पासवर्ड भी तुरंत बदल लें। वैसे कुछ दिनों में पासवर्ड बदलते रहना सुरक्षा को बढ़ावा देता है। पॉइंट नंबर 5, पासवर्ड किसी को ना दें। बात चाहे ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड की हो या फिर अपने मोबाइल की, दोनों ही पासवर्ड किसी को ना दें। ज्यादातर लोग आजकल मोबाइल पर ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आपने मोबाइल से पेमेंट के दौरान आपने कार्ड की जानकारी या इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड सेव कर दी है तो ध्यान रखें कि मोबाइल लॉक रहे और किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना जाए। तो ये आज का वीडियो रहा कि हम 5 टिप्स के साथ कि अपने बैंकिंग को, नेट बैंकिंग कार्ड को कैसे सेफ रख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट करें, हमें ये बताएं कि आपको आने वाली नई वीडियो में किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। घर पे रहें, सेफ रहें, कोरोना वायरस से अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।